शुरुआत में हम नसबंदी और झिंगुर नाम के दो दोस्तों को देखते हैं, जो दारू पीते पीते लड़कियों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी नसबंदी झिंगुर से कहता है, देख उस लुल्लू को देख, उसके पास भी छोकरी है, तो फिर मुझ में क्या कमी है यार। जिस पर झिंगुर कहता है, दोस्त मेरी एक सलाह मान, इन लड़कियों के चक्कर से दूर ही रहे, वो तेरी जिंदगी का दही कर देंगी, तेरी जिंदगी की पूरी वाट लगा देंगी और उनके प्यार के चक्कर में तुझसे सब कुछ मनवा लेंगी। उनका बस एक ही इरादा होता है और वो है हमारी आजादी छीनना। पहले तो वो छोटे छोटे कपड़े पहनकर हमें रिझ जाती है और जब हम लालसा भरी नजर लेकर उनके पीछे जाते हैं तो पुलिस को बुलवाकर हमें अंदर। यह सुनकर नसबंदी कहता है, क्या बोल रहा है तू, तूने उस लड़की का कुत्ता चुराया था। खैर आगे हम स्प्रेड यूनिवर्सिटी के बायोलॉजी लैब के डॉक्टर चाट मसाले को देखते हैं, जो प्रेसिडेंट शामली को अपना एक आविष्कार दिखा रहा था। दरअसल उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढ लिया था जिससे किसी भी जीव जंतु का क्लोन बनाया जा सकता था, यानी उनका हम शक्ल डुप्लीकेट बनाया जा सकता था। इस प्रोजेक्ट में उनके साथ नसबंदी और झिंगुर भी काम कर रहे थे। तभी डॉक्टर चाट मसाला नसबंदी को प्रोफेसर शामली के सामने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद नसबंदी एक स्पेशल मशीन में एक चूहे का खून डालकर कंप्यूटर में कुछ टाइप करता है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 सो में लगा धागा चोर निकाल कर भागा। जिसके तुरंत बाद ही उसी के जैसा एक दूसरा चूहा उस स्पेशल मशीन से निकलता है, जो देखकर प्रोफेसर शामली डॉक्टर चाट मसाला के ऊपर बहुत प्रभावित होते हैं। उनके जाते ही डॉक्टर चाट मसाला नसबंदी और झिंगुर को डरा धमका कर उस चूहे की जन्मतिथि, उसकी कुंडली, उसका दिमाग कैसे काम करता है और उसका यौन प्रदर्शन, इन सब का एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहते हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर नसबंदी ने जल्द से जल्द उसे रिपोर्ट तैयार करके नहीं दिया तो वो नसबंदी को लैब का प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर चाट मसाला एक नंबर का 420 है और ये आविष्कार डॉक्टर चाट मसाले का नहीं बल्कि नसबंदी का है। और क्योंकि डॉक्टर चाट मसाला इस आविष्कार को फंडिंग कर रहे हैं, इसलिए मजबूरी में नसबंदी को अपना आविष्कार डॉक्टर को देना पड़ रहा है। इसी बीच झिंगुर नसबंदी को सलाह देकर कहता है, दोस्त तूने ही वो जुड़वा मशीन का इजाद किया है, तो फिर तू ऐसा क्यों कर रहा है। तुझे पता है उस जुड़वे मशीन से हम इतने चूहे बना सकते हैं जिससे थाईलैंड में हर भूखा नंगा बच्चा उसे खा सकता है। तभी नसबंदी की नजर वहां पर आई एक हॉट लड़की पर जाती है। नसबंदी तभी उसके पास वो लड़की आकर कहती है, एक्सक्यूज मी, मैंने शायद आपको डॉक्टर चाट मसाले की लैब में देखा है। दरअसल मेरा नाम केट है और आप जो क्लोन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं एक आर्टिकल लिख रही हूँ और इस काम में मुझे आपकी मदद चाहिए, सो प्लीज हेल्प मी। तभी नसबंदी इसी बीच वो चूहा केट के हाथ पर काट लेता है, जिससे केट के उंगलियों से खून की एक बूंद वहां पर रखी हुई एक क्लोनिंग सैंपल ग्लास के ऊपर आकर टपकती है। फिर नसबंदी उसे फर्स्ट एड देता है और फिर उसे बाहर छोड़ने के लिए भी जाता है, पर तब तक केट को लेने के लिए बाहर एक लड़का आया हुआ था। तभी केट यह बात सुनकर नसबंदी का बना बनाया दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। उसी शाम को वो लैब में उस चूहे का रिपोर्ट तैयार कर रहा था। इसी बीच वो डुप्लीकेट तैयार करने वाली मशीन को वो ऑन करता है और काम के प्रेशर की वजह से उसकी आंख लग जाती है। फिर करीब 20-25 मिनट के बाद जब उसकी आंख खुलती है, तब वो डुप्लीकेट बनाने वाली मशीन के अंदर से एक लड़की को बिना कपड़ों के बाहर निकलते हुए देखता है। यह देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था और उसकी आंखें भी भारी हो रही थी, इसलिए वो वहीं पर लुढ़क जाता है। करीब 15-20 मिनट के बाद जब वो फिर से होश में आता है, तब उसे लगता है कि ये सब कुछ एक उसका डरावना सपना था। लेकिन टेबल के नीचे अभी भी वो लड़की छुपी थी जो कि उस क्लोनिंग मशीन से निकली थी। बाद में नसबंदी उस लड़की को पहनने के लिए अपना जैकेट देता है और वो देखता है कि वो लड़की बिल्कुल केट की जैसी ही दिखती है। फिजिकली वो तो केट की तरह थी, लेकिन उसका दिमाग किसी बच्चे की तरह ही था, इसलिए वो लैब में उथल पुथल करने लगती है।
तभी नसबंदी डॉक्टर चाट मसाले को लैब में आते हुए देखता है और वो तुरंत केट के हमशक्ल को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। आगे वो उसे अपने घर लेकर आता है जहाँ पर उसके साथ उसका दोस्त झिंगुर भी मौजूद था। वो दोनों केट के हमशक्ल का नाम रेप्लिकेट रखते है। रेप्लिकेट की हरकतें एकदम बचकानी थी पर वो फटाफट सब कुछ सीख ले रही थी। उसे देखकर झिंगुर के दिमाग में बहुत गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे और झिंगुर उसे सॉलिड आइटम बनाने की सोच ही रहा था, लेकिन क्योंकि यह गैर कानूनी था इसलिए वो दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों रेप्लिकेट को एक मर्द के जैसा बनाएंगे। यहाँ पर झिंगुर नसबंदी से कहता है, दोस्त हम एक ऐसी लड़की बना सकते हैं जिसे खेलकूद पसंद हो, जो एक्शन फिल्में देखना पसंद करे, जिसे यानी हम लोग एक ऐसी औरत बना सकते हैं जो एकदम मर्दों के जैसा ही व्यवहार करे। खैर इसके बाद अगले दिन से वो दोनों उसे ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं और उसे पिज्जा खाना, बियर पीना, गाड़ी चलाना, पार्टी करना सब कुछ सिखाते हैं। रात को वो तीनों एक इसी बीच टीवी में एक किसिंग वाले सीन को देखकर रेप्लिकेट नसबंदी से पूछती है कि वो दोनों क्या कर रहे हैं, जिसमें नसबंदी कहता है, सुनो रेप्लिकेट, लोग ये सब तब करते हैं जब दो लोग एक दूसरे को चाहते हैं, तब प्यार का इजहार करने के लिए लोग ऐसा करते हैं। यह बात सुनकर रेप्लिकेट भी उसे चूमने लगती है और कहती है कि वो भी उसे चाहती है। रात को रेप्लिकेट खिलौना समझकर नसबंदी के अंडों को दबा देती है जिससे नसबंदी की चीखें निकल जाती है। खैर अगली सुबह नसबंदी नींद से उठकर देखता है कि झिंगुर रेप्लिकेट को अडल्ट फिल्में दिखा रहा था, तभी वो जाकर झिंगुर को यह करने से मना कर देता है। लेकिन तब तक रेप्लिकेट बहुत गर्म हो चुकी थी इसलिए वो नसबंदी को देखकर गंदे गंदे इशारे करती है और उसे उसके साथ घोड़ा घोड़ा खेलने के लिए भी कहती है। रात को वो तीनों एक क्लब में बियर पी रहे थे तभी रेप्लिकेट कहती है, मुझे तुम्हारा चोकोबार चूसना है। अरे बाप रे, ये क्या कह दिया इसने, तभी नसबंदी उसे मना कर देता है। तब वो टेबल पर खड़ी होकर कहती है, किसी को अपना चोकोबार चूसवाना है भाई। अब उसे घोड़ा घोड़ा खेलने का इतना ही शौक चढ़ा था इसलिए नसबंदी मान जाता है और फिर घर जाकर वो अगली सुबह नसबंदी उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, लेकिन उसे तो अभी भी घोड़ा घोड़ा खेलना था। नसबंदी उसे संभाल नहीं पा रहा था और उसे अपने लैब में भी तो जाना था, इसीलिए वो रेप्लिकेट को घर पर ही रुकने के लिए कहकर अपने लैब के लिए निकल जाता है। अब अपनी लैब पहुंचकर उसके मुंह से चीख निकल जाती है क्योंकि लैब में ऑलरेडी केट मौजूद थी। दरअसल केट का अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया था और उसका यूरोप जाने का प्लान भी कैंसिल हो गया था, इसीलिए अब वो लैब में ही रहकर उस आविष्कार पर स्टडी करेगी। तब तक वहाँ पर डॉक्टर चाट मसाला भी पहुँच जाते है और वो देखते है कि वो डुप्लीकेट चूहा बहुत एग्रेसिव हो रहा था और उसकी हालत भी बद से बदतर होती जा रही थी, इसीलिए वो नसबंदी को अपने सारे कामकाज छोड़कर उस चूहे की ट्रीटमेंट करने के लिए कहते हैं। उस चूहे की हालत देखकर झिंगुर नसबंदी से कहता है कि दोस्त मेरे घर में जो रेप्लिकेट है वो इस चूहे की तरह ही एग्रेसिव ना हो जाए। दूसरी तरफ झिंगुर के घर में रेप्लिकेट आग से खेल रही थी और घर के सामानों को तहस नहस कर रही थी। इधर मौका मिलने पर नसबंदी लैब से सीधा झिंगुर के घर पहुंचता है जहां रेप्लिकेट ने पूरे घर में रायता फैला रखा था। नसबंदी के आने पर वो उससे कहती है, देखो मुझे तुम्हारे बिस्तर के नीचे से क्या मिला, मुझे भी ऐसा एक कपड़ा चाहिए। अब उसके बार बार रिक्वेस्ट करने पर नसबंदी को उसके लिए ब्रा और निकर खरीदने के लिए रेप्लिकेट को शॉपिंग मॉल लेकर जाना पड़ता है। वहाँ पर एक सेल्स गर्ल रेप्लिकेट से पूछती है कि उसे क्या चाहिए, जिस पर रेप्लिकेट कहती है कि उसे ब्रा और निकर चाहिए, पर उसे उसका साइज पता नहीं था इसलिए वो अपने वस्त्र उठाकर उसे अपनी साइज दिखाती है जो कि 36 इंच थी। इधर ब्रा और पैंटी को देखते देखते नसबंदी बहुत आगे निकल जाता है, तभी उसकी मुलाकात बदकिस्मती से असली केट से होती है जो अपने लिए ब्रा और पैंटी खरीदने के लिए। नसबंदी उसे रेप्लिकेट समझकर कहता है, देखो तुम इसे ट्राई कर सकती हो, इसका फीता भी बहुत मजबूत है, ये तुम्हें एकदम फिट आएगी, एकदम मजबूत पीस है ये, इसे पहनकर तुम छत से कूद जाओगी तो भी इसे कुछ भी नहीं होगा। यह सुनकर केट कहती है, अच्छा पहली दफा मुलाकात होने पर क्या तुम सभी लड़कियों को ऐसा ही करते हो उनके साथ? इस पर नसबंदी कहता है, लड़कियों को तोहफे पसंद होते हैं और ऐसा तोहफा देना मेरा तो शौक है। जिस पर केट कहती है, ओह काफी अच्छा शौक पाला है तुमने। खैर केट वहाँ से कुछ काली ब्रा और पैंटी उठाती है और ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम में जाती है। दूसरी तरफ रेप्लिकेट तब तक वहाँ पर आ चुकी थी और वो भी एक कालीब्रा और निकर लेकर ट्रायल रूम में चली जाती है।
तभी नसबंदी उन दोनों को आपस में मिलने से बचाने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सकता। वो दोनों ही काली ब्रा और पैंटी पहनकर एक खोखले दरवाजे के सामने आ जाती है और एक दूसरे को शीशा समझकर देखने लगती है। खैर आगे नसबंदी किसी तरीके से रेप्लिकेट को लेकर वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पर रास्ते में ही रेप्लिकेट उसे उसके साथ घोड़ा घोड़ा खेलने के लिए कहती है और उसके ऊपर चढ़ाई कर देती है। अगले दिन लैब में केट नसबंदी से कहती है, कल अचानक कहाँ चले गए थे तुम, और हमें मिले तो बस कुछ ही दिन हो चुके थे, और इतनी जल्दी तुमने मुझे अंडरवेयर खरीद कर दे दी, थैंक्स। जिस पर नसबंदी कहता है, कोई बात नहीं, अगली बार मैं तुम्हें और भी छोटे छोटे तोहफे दूंगा। दूसरी तरफ हम झिंगुर के घर में रेप्लिकेट को देखते है, जो की टीवी में सास बहू की साजिश वाली सीरियल देख रही थी, और वो मन ही मन इस चीज के बारे में सोच रही थी कि अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। इसीलिए नसबंदी तुरंत फटाफट रेप्लिकेट को लेकर एक हॉस्पिटल पहुंचता है और रिसेप्शनिस्ट की गर्दन पकड़कर उसे रेप्लिकेट की ट्रीटमेंट करने के लिए कहता है, जिसके बाद थोड़ी देर में ही डॉक्टर उसकी रिपोर्ट तैयार करते है और देखते है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं है, यानी वो एकदम फिट है। रेप्लिकेट के ऊपर अभी भी हवस चढ़ी हुई थी, इसीलिए नसबंदी झिंगुर को रात को रेप्लिकेट के साथ सेक्स करके उसकी प्यास मिटाने के लिए कहता है। झिंगुर भी भला ऐसा मौका कैसे छोड़ सकता था, इसीलिए शाम होते ही इधर नसबंदी लैब में बहुत चिंतित था, तभी उसके पास असली वाली केट आकर उसे सहारा देती है, जिससे वो दोनों बहुत ही करीब आ जाते है। नसबंदी और झिंगुर के साथ उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे फ्लेक्स नाम का एक डॉक्टर, जो कि चाट मसाले का चमचा था, उसे नसबंदी के ऊपर शक हो गया था कि वो जरूर कोई घोटाला कर रहा है। दरअसल शुरुआत से लेकर अब तक वो नसबंदी के ऊपर नजर रख रहा था, इसलिए उसे रेप्लिकेट की सच्चाई पता चल चुकी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि नसबंदी केट को लेकर अपने घर पहुंचता है, जहां पर केट अपने कपड़े बदलने के लिए वॉशरूम जाती है। तब तक उस घर में रेप्लिकेट भी अपनी हवस मिटाने के लिए एक लड़के को लेकर आती है। इधर बाहर से डॉक्टर चाट मसाले का चमचा फ्लेक्स भी ये सब कुछ देख रहा था। घर के अंदर केट और रेप्लिकेट दोनों ही काली ब्रा और पैंटी पहनकर एक दूसरे के आमने सामने आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि उन दोनों को हकीकत का पता चले, तब तक वहां पर डॉक्टर और उसका चमचा आते हैं और उन दोनों को बेहोश करके अपने साथ लेकर जाते हैं। इधर नसबंदी को भी पता चल चुका था कि डॉक्टर चाट मसाले ने उन दोनों लड़कियों को अगवा किया है, इसलिए वो डॉक्टर चाट मसाले का भी एक हमशक्ल बना देता है, जिसकी मदद से वो केट और रेप्लिकेट को आजाद करने के लिए लैब पहुंचता है। दूसरी तरफ बाथरूम में डॉक्टर चाट मसाला कॉन्फ्रेंस में देने वाली स्पीच तैयार कर रहा था, और इधर उसका हमशक्ल खाने की खुशबू सूंघते सूंघते सीधा कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर चाट मसाला स्पीच देकर किसी तरीके से केट और रेप्लिकेट को स्टेज पर लेकर आता है। सभी के सामने उसका कहना था कि केट और रेप्लिकेट का इजाद उसी ने ही किया है, और वो दोनों लड़कियां ही कहती है कि उन दोनों का इजाद किसी ने नहीं किया, बल्कि वो दोनों ही जुड़वा बहने हैं। तब तक वहाँ पर डॉक्टर चाट मसाला तभी सबके सामने फिर से एक बार डॉक्टर चाट मसाला कहता है कि इसका भी आविष्कार उसने ही किया है। तभी वहाँ पर डॉक्टर चाट मसाले का चमचा फ्लेक्स आता है और वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। वो कहता है कि डॉक्टर चाट मसाला एक नंबर का झूठा और मक्कार आदमी है, रेप्लिकेट का आविष्कार उसने नहीं बल्कि नसबंदी ने किया है। इसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और डॉक्टर चाट मसाले को गिरफ्तार करती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है नसबंदी उस लैब का प्रेसिडेंट बन चुका है और केट उसके साथ बहुत ही खुश है। इधर रेप्लिकेट भी झिंगुर के साथ बहुत ही मजे ले रही है। इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।